हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे हेल्दी टेस्टी नाश्ता, वो भी बचे हुए दाल चावल से। ये नाश्ता झटपट बन जाता है और बचे हुए खाने का इस्तेमाल भी हो जाता है। इस तरह से बना देंगे तो कोई नहीं पहचान पाएगा बगैर बताए कि ये बचे हुए दाल चावल से बना हुआ है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी मांग कर खाएंगे। तो आइए देखते हैं ये नाश्ता कैसे बनता है। इसको बनाने के लिए एक कटोरी बचा हुआ चावल लिए हैं, मोटा पतला कोई भी चावल पक्का है घर में, बचा है तो उसे ले लीजिए। आधा कटोरी अरहर का दाल लिए हैं, कोई भी दाल पका हुआ है वो आप ले सकते हैं। अब मिक्सर जार में बचे हुए चावल को डाल देंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और चावल को पीस के रेडी कर लेना है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ध्यान है कि छोटे चम्मच से 2-3 चम्मच ही डालना है। चावल पीस के रेडी हो गया है, अब इसको बाउल में निकाल लेंगे। ना तो बहुत बारीक पीसा हुआ चावल और ना बहुत मोटा है, ये दरदरा सा पीस के रेडी किया गया है। सभी चावल को ट्रांसफ़र कर लिए हैं बाउल में, अब दाल को भी डाल दिए। अब छोटी कटोरी से एक कटोरी गेहूं का आटा डाल देंगे, आप चाहें तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच नमक डाल दिए, अजवाइन 1/4 चम्मच डाल दिए, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर 1/4 चम्मच डालेंगे, गरम मसाला पाउडर 1/4 चम्मच डालेंगे। एक हरी मिर्ची काट के रखे हैं इसे डाल देंगे, थोड़ा सा कटा हुआ अदरक डालेंगे 2-3 कली, लहसुन कटा हुआ डाल देंगे, एक छोटे साइज का कटा हुआ प्याज डालेंगे। अगर गाजर हो, शिमला मिर्च हो तो उसे भी आप डाल सकते हैं, नहीं तो जो सब्जियां हो डाल के बना लीजिए। कटा हुआ टमाटर डाल दिए छोटे साइज का है, और हरा धनिया ढेर सारा डाल दीजिए। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी पानी नहीं डाले हैं, अच्छे से इसको मिक्स कर लिए हैं। अब थोड़ा सा पानी और डाल दिए, अब इन्हें मिला लेंगे। इसको आटे के डो की तरह नहीं रखना है और ना तो चीली की तरह, जैसे चीला बनता है तो बहुत पतला रखते हैं, वैसा भी नहीं करना है। इसका डो मीडियम साइज का रहेगा। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें ढककर 2-3 मिनट के लिए रख देते हैं। 2-3 मिनट बाद इन्हें अच्छे से एक बार और मिला लेंगे। देखिए इसका डो जैसा हमको चाह रहा था वैसा परफेक्ट बना है, न ये ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। अब चलते हैं गैस की तरफ, चाहे कोई हल्का गहरा पैन में बना लीजिए चाहे तवा पर। हम गैस पर तवा गर्म होने के लिए रख दिए थे, इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दिए। ऑयल को इस तरह से फैला लेंगे। अब कोई बड़ा चम्मच या कलछुल ले लीजिए और उसी पर इस बैटर को डाल दीजिए। अगर थोड़ा बड़ा बनाना है तो 2 कलछुल डाल दीजिए, छोटा बनाना है तो 1 कलछुल डाल दीजिए, वो आपकी मर्जी। पहले तवा को हाई फ्लेम पर गरम कर लिए थे, अब गैस का फ्लेम मीडियम कर दिए हैं। ये अगल बगल थोड़ा सा फैला है तो इस तरह से पलटनी से इसको बराबर कर लीजिए और 2 मिनट के लिए इसको ढक दीजिए। 2-3 मिनट बाद इसको देखेंगे। नाश्ता को ढके हुए 3 मिनट हो चुका है, अब इसको पलटेंगे। पलटने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दिए और इस तरह चम्मच से या ब्रश से लगा लीजिए। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है क्योंकि इसको टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी बनाना है। आप चाहें तो ज़्यादा तेल लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी, हम तो थोड़ा सा ही लगाए हैं। और इसी तरह दोनों तरफ अलट पलट कर नाश्ते को हम तैयार कर लेंगे।
नाश्ता देखने में कितना प्यारा लग रहा है, बहुत समय नहीं लेता बनने में। नाश्ता बन गया, अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह जो बचे हुए हैं डो, उनका भी नाश्ता हम बना के रेडी कर लेंगे, बचे हुए बैटर का। नाश्ता बन गया है, ये झटपट बन जाता है, खाने में लाजवाब होता है। खाने को इधर उधर फेंकना भी नहीं पड़ता, न कहना पड़ता है कि लो बासी खाना है, तुम खा लो तुम खा लो। तो इस तरह से बना देंगे, आपका प्लेट साफ़ हो जाएगा, खा के झटपट सब ख़त्म कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।